हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका 4X4 अनबॉक्स में। सो फ्रेंड, पोको ने अपना पोको X4 Pro 5G इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो क्या ये फ़ोन बाय कर सकते हैं? कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पोको X4 Pro बाय कर सकते हैं या नहीं। तो उससे पहले बता दूंगा, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर देखने मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं फ़ोन की स्क्रीन की तरफ से, जिसमें देखने मिलने वाला है 6.6 इंच का एक एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। और इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने मिलेगा, जो एक अच्छी बात है। और ओवरऑल डिस्प्ले के अंदर फ़ोन अच्छा है। वहीं पे हम बैक पैनल की बात करें तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलता है। और साथ में आपको अगर बॉडी मटेरियल की बात करें तो ग्लास में आपको बॉडी देखने मिलेगी। और बात करते हैं इसके पोल्स और बटन की, जिसमें आपको बॉटम में स्पीकर, माइक, टाइप सी पोर्ट, हाइब्रिड सिम स्लॉट, और टॉप में देखने मिलेगा 3.5 mm का जैक, स्पीकर, माइक्रोफोन, IR ब्लास्टर, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम ब्रोकर, फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में पावर बटन। तो अब बात करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पोको X4 Pro 5G में देखने मिलता है आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर, जो का स्नैपड्रैगन 695, जो बहुत अच्छा है प्रोसेसर माना जाता है, जो एक 5G प्रोसेसर है। और गेमिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी इस फ़ोन के अंदर। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने मिलने वाला है। ऑलमोस्ट आजकल सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 12 आने लगा है, बट पता नहीं पोको ने इस बार ऐसा क्यों किया। तो ये एक चीज़ है जो पोको इस स्मार्टफोन को डाउनग्रेड में डाल सकती है। और रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 6 GB रैम और 8 GB रैम देखने मिलते हैं, और साथ में 64 GB और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैमरा की तरफ, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जो 64 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP का माइक्रो कैमरा, जिसके आप देख सकते हो कि से फ़ोटो क्लिक किया हुआ फ़ोटो है। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। और वही पे फाइनली बैटरी की बात करें तो साथ में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने मिलता है, उसके साथ में 67 W का एक फास्ट चार्जर, जो कहा जा रहा है कि 41 मिनट में आपको फुल चार्जिंग करके देता है ये चार्जर। तो पहले इसके प्रोस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो अच्छी बात है, एमोलेड पैनल, साथ में 120 Hz का रिफ्रेश रेट, गुड बैटरी, साथ में आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है, और एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला 5G फ़ोन मिलता है। कॉन्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर आता है, बट आउट ऑफ बॉक्स अगर एंड्रॉयड 12 होता तो बेटर रहता। और सेकंड इसके कैमरे की बात करें तो कैमरा क्वालिटी मुझे एवरेज लगी, कुछ खास नहीं है। और थर्ड है वीडियो रिकॉर्डिंग, जो 4K नहीं, 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। अगर आप सोच रहे हो कि एक अच्छा कैमरे वाला फ़ोन लेने का, तो माय ओपिनियन कि इस फ़ोन को रहने दो और कोई और फ़ोन ट्राई करके देखो। वैसे ओवरऑल फ़ोन गुड है, बट कैमरे के मामले में थोड़ा डाउनग्रेड में जाता है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।